सब्सक्राइब करिए ऑल टेक अपडेट्स चैनल को और बेल के आइकन को प्रेस करिए जिससे आपको ऑल नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो व्हाट्स अप पीपल, कैसे हो आप सब? आई थिंक सब अच्छे हो गए दोस्तों। आज हम बात करेंगे Xiaomi Redmi के दो बिगेस्ट फोन के बारे में जिनका नाम है Redmi Note 5 Pro और Redmi Note 5 जो आपको फ्रंट डिस्प्ले पे दिख रहा है। तो चलिए इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले Redmi Note 5 Pro के बारे में जान लेते हैं कि इसमें क्या ऐसे स्पेसिफिकेशन है जो Redmi Note 5 से अलग हैं दोस्तों। तो इसके अगर डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले आपको मिलती है फुल व्यू की, 6 इंच की फुल व्यू डिस्प्ले है और साथ ही साथ आपको जो इसकी रिजोल्यूशन मिलता है वो मिलता है आपको फुल HD। और इसकी PPI देखा जाए तो आपको इसकी PPI मिलती है 403 की, मतलब कि PPI बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपकी कैमरे की क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी होगी। अब इसके बाद अगर इसके कैमरे की बात करें तो इस फ़ोन में आपको मिलता है डुअल कैमरा जो रियर कैमरा है, ठीक है। एक आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा और साथ में जो आपको लेंस मिलता है वो मिलता है 5 मेगापिक्सल का सेकेंडरी लेंस, जिसमें आपको टोन फ्लैश मिलता है और HDR एडजस्टमेंट मिलता है। पैनोरामा मोड और ब्रश मोड का भी ऑप्शन इसमें आता है। साथ ही साथ आपको इसमें मिलता है फेस रिकॉग्निशन, जैसे कि आप अगर इसमें फेस लॉक भी लगाना चाहते हो तो सिंपली आप इसमें फेस लॉक लगा सकते हो। अब अगर इसके फ्रंट कैमरे की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जिसमें आपको ब्यूटीफाइड मोड मिल जाता है और साथ ही साथ आपको मिलता है सेल्फी टाइमर और इसमें भी आपको मिलता है फेस फोकस। जैसे कि अगर आप इसमें फ्रंट कैमरे से भी अगर आप अपना फेस लॉक लगाना चाहते हो तो सिंपली आप इसमें फेस लॉक लगा सकते हो। इसके FPS की बात करें, मतलब कि इसके क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग की बात करें तो इसमें आपको मिलती है 1080 की फुल वीडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है। और साथ ही साथ आपको मिलता है इसमें बहुत सारे मोड्स, ठीक है। अब दोस्तों इसकी बात कर लेते हैं प्रोसेसर और मेमोरी की, तो आपको इसमें दो वेरिएंट आता है। एक आता है 4GB रैम और 64GB इंटरनल की स्टोरेज के हिसाब से, ठीक है। और दूसरा जो आता है आपको 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज, ठीक है। अब इसमें जो आपको इस प्रोसेसर मिलता है वो मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 सीरीज का प्रोसेसर दे रखा है जो ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, ठीक है। और इसमें आपको साथ ही साथ मिलता है GPU जो आपकी गेमिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये है आपका फुल पूरा स्पेसिफिकेशन। अब इसमें अगर मेमोरी में अगर आप एक्सटर्नल भी लगाना चाहते हो साथ ही साथ, तो मतलब इसमें आप 2 SIM और प्लस अलग से मेमोरी भी लगा सकते हो, ये हाइब्रिड नहीं है, ठीक है। इसमें आपको 128GB एक्सपेंड करने के लिए मेमोरी स्पेस भी दे रहा है। अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी बैकअप की, तो इसमें आपको मिलती है 4000 mAh की बैटरी, लिथियम आयन की बैटरी है, ठीक है। और इसमें जो आपको चार्जर मिलता है वो मिलता है 2.0 का फास्ट चार्जर, मतलब कि फ़ोन ओवरऑल बहुत ही अच्छा है, आप इस फ़ोन को इजीली परचेज कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम Redmi Note 5 के कुछ फीचर्स जान लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए Note 5 Pro पे चलते हैं। तो अगर Redmi Note 5 की बात करें तो Redmi Note 5 में भी आपको फुल व्यू डिस्प्ले मिलती है 6 इंच की, साथ ही साथ आपको मिलता है फुल HD रिजोल्यूशन। और अगर इसके कैमरे की बात करें, बैक कैमरे की बात करें, तो बैक कैमरा इसका सिंगल कैमरा आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल का, जिसमें आपको फेस रिकॉग्निशन का भी ऑप्शन आता है और फेस ब्यूटी मोड का भी ऑप्शन आता है। अगर इसके फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरा इसमें मिलता है आपको 5 मेगापिक्सल के साथ, ठीक है, जिसमें आपको ये जो फ़ोन है ये आपको पूरा मिलता है 4 कलर में। दोस्तों इसमें भी आपको 4 कलर मिलते हैं, जो रहेगा आपको ब्लैक, गोल्ड और ब्लू, और साथ ही साथ आपको मिलेगा रोज़ गोल्ड कलर भी। इसमें भी आपको 4 कलर मिल जाते हैं। अब अगर इसके प्रोसेसर और रैम रोम की बात कर लेते हैं तो इसका जो प्रोसेसर दे रखा है वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 सीरीज का ऑक्टा कोर का प्रोसेसर, ठीक है। अब ये आपको आता है दो वेरिएंट में, एक आता है 3GB रैम और 32GB इंटरनल के साथ और दूसरा जो आता है वो आता है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, ठीक है। तो ये दो वेरिएंट में है, आप चाहे 3GB रैम या चाहे 4GB रैम पे आप फ़ोन परचेस कर सकते हो। दोनों के सिमिलर रेंज नहीं है, अलग अलग रेंज है, तो आप वो भी आप जाकर के मार्केट से देख सकते हो।
दोस्तों जो इसमें बैटरी दे रखी है वो इसमें भी बैटरी आपको मिलती है 4000 mAh की, ठीक है, वो भी नॉन रिमूवेबल बैटरी है, लिथियम ऑयल की बैटरी है। और इसमें जो आपको चार्जर मिलता है वो मिलता है 2.0 का, ठीक है, मतलब फास्ट चार्जर है, बहुत तेज़ आपका फ़ोन चार्ज होगा, ठीक है। तो ये मतलब फुल व्यू डिस्प्ले के साथ बहुत ही बेहतर फ़ोन है, आप इस फ़ोन को भी इजीली परचेस कर सकते हो मार्केट से। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि Redmi Note 5 Pro और Redmi Note 5 में कौन ज़्यादा बेस्ट है। अगर मेरी माने तो Redmi Note 5 Pro ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि वो डुअल कैमरे के साथ है और इसका प्रोसेसर भी हाई है, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी परचेस कर सकते हो, दोनों अपने रेंज में सबसे बेस्ट फ़ोन है, और Redmi ने मतलब फ़ोन निकाला है तो यार बढ़िया ही निकाला होगा, ठीक है। तो मेरे तरफ से जो स्पेसिफिकेशन थे वो मैंने क्लियर कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, थैंक यू सो मच।